जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट PSS एग्जाम और वनडे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय द्वीप समूह को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, भारतीय द्वीप समूह दो हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में केरल के तट के से सटा हुआ है लक्षद्वीप समूह। तो दो द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। देखिए, आप इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, अगर हम ये प्रायद्वीपी भारत माने, प्रायद्वीपी भारत अपने पीछे देख रखा है तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही है ना। देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये अरब सागर है ना, अरब सागर है और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिंद महासागर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसे नहीं बताया गया। तो अरब सागर में देखिए ऐसे कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह है ना, छोटे छोटे द्वीप समूह स्थित हैं। अब ये जो आपको छह दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ छह ही है ना, इनकी संख्या कई है ना। इन्हीं द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में कुछ और तथ्य याद रखिएगा, ये कोरल द्वीप समूह है। कोरल द्वीप का मतलब समुद्री जीव से निर्मित है और समुद्री जीव से निर्मित है और साथ ही साथ इसमें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, ठीक। तो ये कोरल द्वीप है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर वन नहीं पाया जाता क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है तो वन नहीं पाया जाएंगे। हाँ, अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालदीव देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अभी कुछ दिन पहले आपने इंडिया और मालदीव का विवाद भी देखा था, है ना, मतलब कोई विशेष नहीं, लेकिन भाई मालदीव के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियाँ की गई जिससे भारत ने क्या किया, लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल बनाने के बारे में कुछ बातचीत चली थी, ठीक। इसी तरीके से अब अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार, देखिए ये जो द्वीप आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे गिनती करेंगे आपको सात देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि सच में सात ही हैं, इनकी संख्या ना 500 से भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ सात आठ ऐसे हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं, तो उनको मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है या फिर पढ़ा जाता है। देखिए, इसमें शुरू के जो चार हैं, ये जो स्टार्टिंग के चार हैं ना, इनको अंडमान समूह कहते हैं और ये जो नीचे के तीन हैं इसको निकोबार समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में आपको याद रखना चाहिए। देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हिमालय का हिस्सा है ना, ऐसे म्यांमार, देखिए अब इधर भारत से ऐसे हिमालय आएगा है ना, ऐसे म्यांमार में, देखिए म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं, है ना। तो अराकान योमा का ही मतलब ये पार्ट से जो ऐसे समुद्र में नीचे दबा हुआ है और कहीं कहीं पर ऐसे उभार निकले हुए हैं, तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में देखने के लिए मिलता है। और भी आगे बढ़ेंगे, देखिए इनको थोड़ा सा आगे विस्तार से बताया गया। देखिए, अगले स्लाइड पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिखाया गया म्यांमार, है ना। अब दो द्वीप आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक प्रिपेरिस और एक कोकू, ये म्यांमार के द्वीप हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि प्रिपेरिस और कोकू ये किस देश के द्वीप हैं, तो ये म्यांमार के हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चैनल देखने के लिए मिल रहा है, इस चैनल को हम लोग कहते हैं कोको चैनल। तो कोको चैनल भी कई बार क्वेश्चन बना है, कोको चैनल किसके किसके बीच में स्थित है। देखिए, अगर देश की बात करेगा तो म्यांमार और इंडिया के बीच में कोको चैनल है ना। अगर द्वीप की बात करेगा तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है, और अगर वैसे सामान्यतः बोलेगा तो म्यांमार और अंडमान के बीच में कोको चैनल है। इसके नीचे देखिए, उत्तरी अंडमान, ये जो सबसे पहला ये पार्ट से इसे उत्तरी अंडमान कहते हैं। इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान, माफ कीजिएगा, मध्य अंडमान, है ना। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी अंडमान, और फिर आपको एक चैनल देखने के लिए मिल रहा है। अभी एक एक चैनल के बारे में विस्तार से समझेंगे और हर चैनल के नाम को समझेंगे। इसके नीचे लिटिल अंडमान। तो देखिए, अंडमान मूल रूप से चार भागों में बटे, चार भाग कौन कौन से, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके बाद यहाँ पर ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है, विभाजित करता है ना। यहाँ पर देखें, निकोबार भी तीन समूह में बटा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब बीच बीच में जो चैनल्स दिख रहे हैं, इन सब चैनल के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये सबसे नीचे जो आपको ये चैनल दिख रहा है ना, ग्रेट निकोबार के मतलब यहाँ पे इसके नीचे, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल। अगर नाम लिखने की बात करेगा तो ग्रेट चैनल,
ये इंडोनेशिया और भारत, इंडोनेशिया इसके नीचे ना, मतलब यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में ग्रेट चैनल है ना, ये जो चैनल है ना 10 डिग्री के ऊपर, इसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, नाम याद रखिएगा। ये ऊपर वाला है सोम्ब्रेरो चैनल, है ना। तो ये कुछ प्रमुख चैनल है जिन्हें आपको याद रखना से। अच्छा, यहीं पर कुछ तथ्य आप और भी याद रखिएगा। देखिए, अगर उत्तरी अंडमान में देखेंगे तो नारकुंडम ज्वालामुखी है, नारकुंडम ज्वालामुखी की बात करेंगे, सुसुप्त ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान में है ना। यहाँ पर मध्य अंडमान में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये साउथ एशिया में एकमात्र सक्रिय। इसका उद्गार अगर कभी पूछ ले तो उद्गार याद रखिएगा 1887 में इसका उद्गार हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं कब उद्गार हुआ था 1887 में। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करते जो यहाँ पर की दिया हुआ है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्सियरी युग में बने सागरीय वलित पर्वत के समुद्र में उभरे हुए भाग है। देखिए, वलित पर्वत है ना, टर्सियरी युग में किस वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, हिमालय है ना, तो इसी का उभरा हुआ भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी उत्तरी अंडमान में है। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी, इसका नाम है सैडल पीक है ना, ये कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में, ऊंचाई 738 मीटर है। इस द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप की चर्चा अभी हम लोगों ने की है। आबादी व क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में काफ़ी बड़ा है। देखिए, आबादी की बात करेंगे तब भी ये बड़ा है और क्षेत्रफल की बात करेंगे तब भी ये बड़ा है। नेक्स्ट, अगले स्लाइड पर आते हैं। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकुंडम है जो कि सुप्त अवस्था में, अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वो पीछे मैप में देखा था, नारकुंडम इसका दूसरा ज्वालामुखी है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ये चीज़ ठीक है। लेकिन एक जरूर पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि अंडमान निकोबार का जो न्यायिक कार्य ये कौन करता है, तो न्यायिक कार्य करता है कलकत्ता हाईकोर्ट, ये जरूर याद रखना है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे ना, मतलब देखने पे दिमाग में नहीं आता कि कलकत्ता करेगा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि अंडमान निकोबार की जो न्यायिक कार्य है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप कहलाता है, जो सबसे उत्तर में उसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। बोमपोका द्वीप जिसे पोहाट के रूप में जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। देखिए, ये संख्या मैंने बताया ना 500 से ज़्यादा है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग समझते हैं और बाकी उतना खास नहीं, तो उसके बारे में नहीं पढ़ा जाते। अब यहाँ पर बताया जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाने वाला प्रमुख जनजाति समूह, जैसे ओजे है ना, ये नेग्रोइड प्रजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। सेंटिनेलिस, ये भी नेग्रोइड प्रजाति अंडमान निकोबार के द्वीप जनजाति है। जारवा, सोम्पेन, अंडमानी, निकोबारी, हालचू, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यहाँ पर क्या पॉइंट है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये कोको द्वीप है, यहाँ पर कोको चैनल है ना। उत्तरी अंडमान के बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया था। देखिए, सैडल पीक पीछे दिया था ना, सैडल पीक जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो यहाँ पर सैडल पीक है, ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए मध्य अंडमान है ना, यहाँ पर बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है जिसका नाम है डंकन पासेस, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि डंकन पासेस कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेस है ना। बाकी 10 डिग्री चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख रखा है। अच्छा, एक पॉइंट आप और भी चाहे तो यहाँ पे याद रख सकते हैं, ग्रेट निकोबार, मतलब यहाँ पर आगे अगर देखेंगे ना ऐसा निकोबार भी बनेगा, तो इसमें जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलेट नाम का एक माउंटेन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है ना, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये भी ग्रेट निकोबार में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए और कुछ तथ्य, अब हाल ही में ना कुछ द्वीप के नाम चेंज कर दिए गए है ना, तो इन द्वीप के बारे में हम लोग समझते। देखिए, सबसे पहले रास द्वीप है ना, रास द्वीप है, जिसको नाम पता होगा वो कमेंट करता हुआ चलेगा कि रास द्वीप का नया नाम क्या किया गया। इसके बाद है नील द्वीप है ना, इसका नया नाम क्या रखा गया, ये भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद है हेवलाक द्वीप है ना, हेवलाक द्वीप का नाम क्या रखा गया, इसको भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग एक एक करके समझ, जो रास द्वीप है, रास द्वीप का नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ना, सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ना। दूसरे नंबर पर है नील, इसको रखा गया, इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप है ना। और तीसरे नंबर पर है हेवलाक, इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हम लोगों ने
अंडमान निकोबार की कंप्लीट चर्चा की है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, एक एक बिंदु विस्तार से आपको समझाया जाएगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आने लायक और उसे छोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।